कुंती जी ने कहा, आप अपने आप को छिपाइए मत, हम जान गई हैं आप कौन हैं। आपने इस संसार को अपनी महामाया से ढक रखा है और आपने हम भक्तों को भी अपनी योग माया से ढक रखा है, इसलिए माया जमन काश्यम आज्ञा दोक्ष अव्ययम, अपने माया को माया से हम सबको ढक रखा है। देखो भगवान की एक योग माया है, एक महामाया है। अभी हमारे जगन्नाथ जी और बलराम जी के बीच में कौन है? उनकी बहन सुभद्रा जी। वो सुभद्रा जी कौन है? योग माया जी। सारी भगवान की, राम जी की लीला हो या कृष्ण की लीला हो या चैतन्य महाप्रभु की लीला हो, सारी लीलाओं में यदि योग माया ना हो तो कोई भी लीला संपन्न हो ही नहीं सकती। ये सारी भगवान की लीलाओं की डायरेक्टर है। भगवान ने योग माया जी को अपनी पूरी लीला का रिमोट हाथ में दे दिया। योग माया, हमें तो आनंद और सुख चाहिए, जो आपको करना आप करो, जिसको भुलाना है भुलाओ, आप मुझको भी भुला दो। भगवान को भी भुला देती है, भगवान भी मोह में आ जाते हैं, जान ही नहीं पाते मैं भगवान हूं। यदि ये सब समय स्मरण रखे ये भगवान है तो कोई लीला हो ही नहीं सकती। योग माया जी इनको भी भुला डालती हैं, इनको भी विस्मरण कर देती हैं। देखो ये अद्भुत बात है, इनको भी भुला डालती हैं। इसलिए कृष्ण ढूंढते रहते हैं, अरे मेरे बछड़े कहाँ गए, मेरे सखा कहाँ गए। आप भगवान ने आपको नहीं पता? योग माया जी ने पर्दा ढक दिया, और पर्दा उठा देती हैं तो भगवान, अरे मैं तो भगवान, अच्छा ब्रह्मा जी आप चोरी करके ले गए। सुनेंगे इस कथा को। इसलिए योग माया जी और हम लोग संसार में भटके हुए हैं, हमको महामाया ने ढक दिया। महामाया के संबंध में क्या कहा? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एषः, इच्छा अनुरूप अपि यस्य स चेष्टसा गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली कौन? दुर्गा जी। किनकी इच्छा से? बोलते गोविंद की, भगवान की इच्छा से ही सारे कार्य करती हैं। छाया व यस्य विवृति विभानी दुर्गा, ये छाया है किसकी? योग माया की। इच्छा अनुरूप अपि यस्य स चेष्टसा गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ये महामाया हमको ढक दिया। कैसे ढक दिया? बोलते जैसे एक जादूगर होता है, एक अंगूठी लेता है, ऐसे फेंकता है और उस लोहे की अंगूठी को सोना बनाकर दिखा देता है, जादू करता है। उसने क्या किया? लोहे को सोना करके हमको भ्रमित कर दिया। ऐसे ही मां माया भी हमको भ्रमित कर देती है। हमको लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, विवाह करने में सुख है, बड़ा घर बनाने में सुख है, बड़ी गाड़ी घर में सुख है। हर वस्तु में सुख ढूंढते 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 एक दिन हम वो हिरन जो पानी के लिए रेगिस्तान में घूमता रहता है, बोलते वहाँ पर पानी है, वहाँ पर पानी है, वहाँ पर पानी है, प्यासा मर जाता है, पानी नहीं मिलता। हम भी सुख की खोज में, उस सुख को प्राप्त करने के लिए अलग अलग वस्तुओं में सुख देते हैं। खाने में सुख है, कितना खाओगे? हाँ गुलाब जामुन खाने में बड़ा सुख है, आहा मुँह में आते ही घुल जाए, रोज खाने लग गया, खाते 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 3 साल में हो गए डायबिटिक, ऐसी शुगर हो गई, इंजेक्शन लगने लग गए, और खा ले तो सुख क्या हो गया? दुख में बदल गया। ये एक उदाहरण है। अच्छा इसी से समझ लो, ध्यान से सुनना तब बात समझ आएगी। किसी को गुलाब जामुन खाने का बड़ा शौक, बोले सामने आ जाए, ऐसा करता है सब खा जाऊं, 15 रख दिए, 15 खा गया, हाँ 5 और रख दिए, बोलते नहीं भैया अब तो बस तृप्ति हो गई, और नहीं खाए जाते, नहीं नहीं और आपके लिए लाए, आपको तो अच्छे लगते हैं ना, 5 और खा लो, 20 खा गया, ऐसा खाऊंगा 20 गुलाब जामुन खा गया,
अब बताओ उसके सामने 5 और रख दो, वो वाला स्वाद आएगा जो पहले आया था? अब तो वो मीठा लगने ही बंद हो जाएगा, है कि नहीं? सच बोलना, मीठा लगना ही बंद हो जाएगा। अब वो सुख नहीं जो पहले 5 वाले में था, लेकिन जबरदस्ती किसने कहा नहीं, प्रेम से ठूस दिया मुंह में, 25-30 खा जाए तो बीमारी लग गई, रोग हो गया। वही वस्तु जो सुख दे रही थी अब दुख में परिणत हो गई। ये तो एक उदाहरण। ऐसे जितने भी सुख हैं संसार में, जो किस वस्तु में हम सुख लेते हैं उसके साथ यही होता है, थोड़ा वो सुख देता है लेकिन बाद में वो दुख देता है। लेकिन हमको लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, परंतु वास्तव में सारा सुख दुख में बदल जाए। वास्तव सुख है तो किसमें? बोलते भगवान के नाम में। वो नाम एक गुलाब और जामुन क्या, एक मिश्री से भी ज्यादा मीठा है, इतने मीठा। मिश्री खाते खाते भी व्यक्ति उब सकता है, मैं उब गया, अब वो मीठा नहीं लगती मिश्री, लेकिन नाम कैसा? नाम रस मीठा है, एक भजन है, नाम रस कैसा है? इतना मीठा, खा लो कोई डायबिटिक नहीं होगा, जितना खा लो कभी शुगर नहीं होगी, और जितना खाया, जितना किया, उतना और, उतना और, उतना और करने की इच्छा हो जाए, इतना आनंद है उस नाम रस में। करके देखो तो पता लगे, जो करते हैं उनको पता है, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से नाम जप कर रहा है, उनसे पूछो भाई 30 साल से एक ही नाम बोले जा रहे हो, उबने नहीं, बोर नहीं हुए? बोलते नहीं, मन करता है, समय नहीं मिलता लेकिन मन करता है और करो। जिस दिन ये स्थिति आ गई नाम करते करते, समझना भगवान आपको जान रहे हैं।